विज्ञान का विद्यार्थी जी, प्रबंधन का विद्यार्थी, उसके बाद अंग्रेजी में लिखना, हिंदी में लिखना, कविताएं लिखना, कहानी लिखना, लेख लिखना, हिंदी में भी लिखना, अंग्रेजी में भी लिखना, और उसके बाद उर्दू भाषा की तरफ आना और उसमें भी फिर गजल में इस तरह से प्रविष्ट हो जाना कि इस संकलन में हिंदुस्तानी भी है, उर्दू मिश्रित हिंदी भी है और विशुद्ध हिंदी के भी शेर इसमें हैं। पढ़ रहा हूँ वेदना का व्याकरण में, हूँ समर में आज भी हर क्षण में, सभ्यता के नाम पर उड़े गए जो, नोच फेंकूं वो मुखौटा आवर। मतलब इतनी परिष्कृत हिंदी वाली भी रचनाएं हैं और दूसरी तरफ गजलें जो विशुद्ध हिंदुस्तानी में है, ये आपने कैसे साधा इसको? दरअसल हिंदी तो मेरी मातृभाषा है ही जी, और हिंदी मेरी प्रिय भाषा भी रही। जब मैं स्कूल में पढ़ता था उन दिनों में कादम्बनी पढ़ता था, कादम्बनी का कालचिंतन पढ़ता था, जिसके विषय में, जिसको बारे में हमारे टीचर भी हमको बता नहीं पाते थे। एक बार मैं लेके पहुंच गया वहाँ पे हिंदी शिक्षक के पास में, तो वो मुश्किल हो गई उनके लिए थोड़ी सी, लेकिन मैं पढ़ता रहा उसको। मैं समझ नहीं पाता था फिर भी पढ़ता था। वहाँ से मैंने बहुत सारे अच्छे शब्द, बहुत सारे विचार ग्रहण किए, और बाकी पत्रिकाएँ भी थी। जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस समय मैं और मेरे एक दोस्त थे तिवारी जी, हम दोनों में रहता था कि हंस और सारिका दो पत्रिकाएं खरीदनी, एक वो खरीदते थे एक हम खरीदते थे, और हम दोनों अदल बदल के पढ़ते थे, उसकी कहानियां पढ़ते थे और लगातार पढ़ जाते थे, और फिर उसके बाद चर्चा करते थे उस कहानियों पे, केवल पढ़ के नहीं रखते थे, चर्चा करते थे। तो हिंदी तो इस तरह से रही, और उर्दू का ऐसा रहा कि मैं जब इलाहाबाद में था तो चूंकि उर्दू के प्रति रुझान तो बहुत शुरू से था, जब कविता के प्रति रुझान हुआ, और कुछ योगदान जो था फिल्मों का भी रहा, जो उस दौर की फिल्में थीं, और उर्दू के अच्छे अल्फाज मैंने वहाँ से आत्मसात किए। फिर जब मैं इलाहाबाद में था तो मेरा संपर्क हुआ डॉक्टर अतिया निषाद खान, अब नहीं है इस दुनिया में, उनके परिवार से जुड़ा रहा मैं, तो वो उर्दू की प्रोफेसर थी वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उनसे मैंने अपनी इच्छा जाहिर की, उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया सर्टिफिकेट कोर्स में, बकायदा मैंने लिपि सीख ली। अच्छा, हाँ, तो आपने भी सीख ली। उर्दू की डिग्री भी? मैंने डिग्री तो नहीं लेकिन सर्टिफिकेट लिया मैंने, सर्टिफिकेट, और मैंने अच्छे नंबर से उसे पास किया, और पूरी स्क्रिप्ट मैं पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ। हालांकि उसके बाद फिर चूंकि जबान का इस्तेमाल न करें तो दिमाग से चली जाती है। मैंने जब ये दोबारा शायरी शुरू की 2012-13 में शुरुआत की, तब फिर मैंने फिर से उर्दू सीखी।